नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज हम देखेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में, नई भर्ती निकली है आपकी, जो कि आप 2020 में इसके एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, आप कोई भी, जो भी लोग देख रहे हैं, 10वीं पास अगर हैं आप और तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि SSC MTS की निकलती है, वैसे ही DRDO में MTS की निकली है। काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है और एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है जनरल EWS एंड OBC के लिए। बाकी SC ST और वीमेन कैंडिडेट्स जो है हर कैटेगरी, उन सभी के लिए आपके 0 रुपीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हर चीज़ के बारे में। और आपकी जो फॉर्म्स की स्टार्टिंग डेट है, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना, वो है आपकी 23 दिसंबर, याद रखें। नेक्स्ट मैं बता दूँ, जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 23 जनवरी है 2020 में। तो देखते हैं पूरा जो आपको नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जो आपकी लिंक होगा जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 23 दिसंबर को, वो भी बता दूँगी। सो ये आपका फुल नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी वैकेंसी निकली है MTS की, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसमें जो ये 23 जनवरी की बात की गई है वो ये है कि इसमें जो 18 से 25 के बीच में एज मांगी गई है, उसमें आपकी जो क्रूशियल एलिजिबिलिटी की डेट होगी वो आपकी 23 से मानी जाएगी, चाहे उस टाइम 18 के हो जाओ चाहे आप 25 के हो जाओ। उसके बाद बताऊँ कि आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, जैसे कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको और चीज़ों में मिलता है और भर्तियों में, वैसे इसमें भी देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके एज जो है 18 से 25 के बीच में है, ध्यान रखें। इसमें आपका जो सैलरी होगी वो कितनी होगी और वो सभी हम देखेंगे। और आप पहले देख लीजिए, आपको क्वालिफिकेशन 10वीं पास में बता चुकी हूँ। अब इसमें सैलरी पैकेज जो है आपका वो है 18,000 से 56,900 के बीच में, 7 CPC, और आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। अब देखो आप इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इसमें आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड है वो 1301 है, पोस्ट का नाम है आपका MTS। इसमें आप देख पा रहे हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, यहाँ पर है आपके 1817 ऑलमोस्ट पोस्ट दिखाई दे रही है। ये SC की इतनी पोस्ट हैं, 163, ST की 114 और OBC की 503, EWS की 188 और अनरिजर्व्ड की 849, ESM की 135 एंड आपके MSP की ये है आपकी 50। PWD कैटेगरी के बारे में भी है, ABCD के। तो आपकी ओल्ड टोटल हम बात करें तो आपकी जो है ये है 1817 वैकेंसी निकली हुई है, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें। और आपकी जो ये एग्ज़ाम होने वाली है वो 2 CBT होगी आपकी, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, ध्यान रखें। पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, जिन भी लोगों के अंदर डाउट है भाई ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और फर्स्ट आपकी जो CBT 1 होगा वो स्क्रीनिंग का होगा, मतलब पास करना होगा, जिसमें आपको जो SC ST है उनको केवल 35 लाना है, बाकी कैटेगरी को आपको जो है 40% लाना होगा। तो ये आपका पूरा जो कह सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम है। तो सबसे पहला है आपका CBT स्क्रीनिंग में, आपका जो 3 इसमें आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग आपको इसको कह सकते हैं, इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन हैं और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपके जो है 35 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स उसके बराबर ही हैं। और 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा, ये आपके CBT 1 के लिए जो स्क्रीनिंग का होगा। नेक्स्ट बात करूँ, जब आपका फाइनल मेरिट जो बनेगी, कट ऑफ जो बनेगी आपकी फाइनल, जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा, वो आपकी ये है CBT 2। इसमें आप देख लीजिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन 40 देखने को मिलेंगे और जनरल मैथ के 40 हैं, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं। इसमें समय आपका वही है 1.5 घंटा। तो ये 2 होंगी आपकी, ध्यान रखें, CBT 1 एंड CBT 2। और वो बता दिया है कि आपको पहले में कितने पासिंग मार्क्स जो है लाने हैं, बाकी के लिए 40% है और आपके जो SC ST कैंडिडेट्स उनके लिए 35 हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका जो आपका Tier 2 होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और जिसमें सेलेक्ट किए जाएंगे वो है 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे CBT 1 के बाद में।
अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप एग्ज़ाम देने जो है आपके आसपास सिटी होगी या नहीं होगी। तो ये आपकी 42 सिटी के नेम है कह सकते हैं, जिनमें आपकी जो CBT 1 जो है होगा। तो ये आपके ये देख लीजिए आप, जो भी आपके आसपास में है या है या नहीं। तो आप राजस्थान से भी जो भी सिटीज़ जैसे जोधपुर जयपुर आपको देखने को मिल रहा है, बाकी आप जिस भी स्टेट से हैं आप देख सकते हैं। 42 इसमें सिटीज़ इसमें है जहाँ पर आपका CBT 1 होगा। और फाइनली आपको पोस्टिंग के बाद इनमें से कौन कौन सी सिटीज़ में से आपका आ सकता है, तो आप देख सकते हैं सभी सिटीज़ का आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो आप जो आगरा से लेकर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर भी DRDO के जो सेंटर है वहाँ तक। तो आपके मोस्टली जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको जोधपुर मिल जाएगा, अगर राजस्थान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में भी इसका सेंटर होगा जहाँ पर आप इसकी जो है पोस्टिंग ले सकते हैं। तो ये आपके और सिटीज़ हैं। तो अब तक का जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया है। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है जो कि फॉर्म फिल करना। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, और बाकी वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है, www.drdo.gov.in। तो 23 दिसंबर से आपको जो है फॉर्म स्टार्ट करने हैं फिल करने, और इसका आप लिंक चाहते हैं इस नोटिफिकेशन का तो वो भी मैं दे दूंगी। तो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए, अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप देख सकें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ऐसे बने रहिए, धन्यवाद।